हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा क्वेश्चन है, तीन समक्रमागत संख्याओं का योगफल 42 हो तो सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन समक्रमागत संख्याओं का योग 42 है, तो योगफल हम लोग को कितना दिया गया है? 42। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे उसको छाँट छाँट कर और सॉल्व करेंगे। तो योगफल हम लोग को दिया गया है कितना? योगफल बराबर कितना? 42। ये हम लोग को योगफल दिया गया है। अब कुल संख्याएं कितनी दी गई हैं? 3। तो कुल संख्याएं n है, n बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो आप लिख लेते हैं कुल संख्याएं, कुल संख्याएं बराबर 3। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो पहले चलिए छोटी संख्या का ज्ञात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या का सूत्र क्या है? देखिए लिख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या बराबर बड़े ब्रैकेट में योग बटा n माइनस n, छोटे ब्रैकेट में n माइनस 1, छोटे ब्रैकेट क्लोज करके बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये हम लोग का सूत्र है। तो इसी सूत्र पे हम लोग इस क्वेश्चन को पुट करके और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। योगफल हम लोग को दिया गया था, यहाँ पे योग की जगह लिख लेते हैं 42 बटा एन हम लोग को भी दिया गया है 3, तो 3। ठीक है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए, छोटे ब्रैकेट में एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कर लेंगे, छोटे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कट रहा है तो कटा दीजिए। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 14 हो गया। 14 ये छोटे ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दीजिए माइनस, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब इसको अंदर का, बड़े ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आ जाएगा हम लोग का 12, 12 हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? 12। ये हम लोग का सबसे छोटी संख्या का आंसर आया है। अब चलिए सबसे बड़ी संख्या का ये आंसर लाते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, वही फार्मूला रख लेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस रख लेंगे। ठीक है, योग बटा एन, बड़ी संख्या पूछा है पर छोटी संख्या पूछेगा तो माइनस लगाएंगे, अब बड़ी संख्या पूछेगा तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, योग बटा एन प्लस एन माइनस 1, छोटा ब्रैकेट क्लोज करके बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इसी फार्मूला पे यहाँ पे हम लोग रख के सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, योग हम लोग को पता ही है 42, 42 बटा एन दिया गया है 3, तो 3 रख लेते हैं यहाँ पे, बस प्लस कर दीजिए, और ये 3 माइनस 1 हम लोग को पता है तो 2 था, 2 यहाँ पे लिख लीजिए, इसको कटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 चौकों 12, तो 14 धन 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 ये हम लोग का सबसे बड़ी संख्या। तो हम लोग को सबसे छोटी संख्या पता चल गया 12 आ गया सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या भी हम लोग का पता चल गया 16। ये हम लोग को इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में क्या कि तो सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग का आंसर आ गया है। थैंक यू।